जो हमारे चुनाव आयोग के निर्देश हैं उसके हिसाब से हम लोग कराने के लिए और हम लोगों ने सुरक्षा कराई है। पूरे नामांकन एरिया तीन पार्ट में डिवाइड किया है, आउटर गार्डन, इनर गार्डन और आइसोलेशन। इसमें आयोग की तरफ से जो अनुमन्य गाड़ियाँ हैं या जो लोग हैं उन्हीं को गेट्स के अंदर आने की अनुमति दी जाएगी। शेष समस्त लोगों के लिए प्रॉपर पार्किंग और उनको यहाँ के गेट्स पर रोकने की व्यवस्था हम लोगों की है। सभी फोर्स को ब्रीफ कर दिया गया है, हम सख्ती और शालीनता दोनों। कितने गेट बनाए गए हैं और कहाँ पर किसको रोका जाएगा, कहाँ तक आने की परमिशन है? यहाँ जो व्यवस्था है वो पूर्वी गेट जो आप लोग देख रहे हैं, इसी गेट से हमारे सारे कैंडिडेट्स आएंगे और जो ये प्रथम बैरियर है इसी पर सारे लोगों को यहाँ रोका जाएगा। यहाँ से मात्र तीन गाड़ियाँ ही जो हमारे आइसोलेशन कॉर्डन है वहाँ तक जाएंगे और उसके बाद जो नामांकन कक्ष है उसके पहले एक गेट जहाँ पर चेकिंग, फिस्किंग और डिफेंडी लगा है, वहाँ से जो अनुमन्य कैंडिडेट और उसके साथ जो प्रस्तावक हैं उन्हीं की एंट्री की जाएगी। थैंक यू।